लंबे समय से पंडित सुखराम के परिवार की भाजपा में जाने की जो चर्चाएं चल रही थी, शनिवार शाम को उन चर्चाओं पर उस समय विराम लग गया जब ये परिवार सच में भाजपा में शामिल हो गया। पंडित सुखराम और उनके पोता आश्रय शर्मा दिल्ली में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा करते रहे और मंडी में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे अनिल शर्मा ने भाजपा का पटका पहनकर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अनिल शर्मा ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा भी दे दिया और पार्टी की सदस्यता को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भाजपा ने अनिल शर्मा को सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी बनाने का वायदा किया है। उन्हें भाजपा का टिकट मिलेगा और इतिहास में पहली बार पंडित सुखराम के परिवार का कोई सदस्य भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में होगा। अनिल शर्मा ने मीडिया के समक्ष इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। अनिल शर्मा ने बताया कि सीएम वीरभद्र सिंह ने हमेशा ही पंडित सुखराम को नजरअंदाज किया है। हिमाचल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज मोदी जी और अमित शाह जी की जो हमारे नेता हैं उनकी आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। हालांकि 3-4 दिन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे इस बात का दबाव था कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, परंतु मैंने इस बात को देखते हुए कि मुझे जिस पार्टी में हूं मैं उसी में रहना चाहता हूं, परंतु मुझे कुछ इंसिडेंट आज भी हुए हैं और पहले भी हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी पंडित सुखराम जी को हमेशा जो है जिस तरीके से नकारा गया कांग्रेस के अंदर, और हाल में जो घटनाएं हुई है जब राजा वीरभद्र सिंह जी जो है मंडी आए थे दौरे के अंदर और शिंदे जी के सामने जिस तरीके से बेइज्जत किया गया मेरे पिताजी को, और उसके बाद भी जब यहां पर हमारे जो राहुल गांधी जी यहां पर आए थे उस दिन भी पंडित सुखराम जी को स्पेशली जो शिंदे जी का मैसेज आया था कि आप जो है उनको वहां पर शामिल हों, परंतु रात को जिस तरीके से मुझे बाकर यह कहा गया कि पंडित सुखराम जी को यदि रैली में आते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, तो मुझे इस बात का दुख हुआ। फिर उसके बावजूद मैंने जो है पार्टी में संयम बनाने का प्रयास किया और आज जब इस बात का अमजाज लेकर लिस्ट निकली और उसमें हालांकि रैली के दिन भी एक बात हुई कि मैं विधायक होने के नाते भी ठाकुर कौर सिंह जी को यहां स्वागत के लिए कहा गया, जबकि विधायक होने के नाते मुझे जो है यहां उनका स्वागत करना था और इसके बावजूद मुझे उन्हें धन्यवाद करने के लिए कहा गया। और बाद में आज जो घटना हुई जिसमें एक कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट निकली और कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो है प्रचार करने के लिए जो नेता रखे गए थे उसमें सभी मंत्रियों को तकरीबन शामिल किया गया था, एक दो को छोड़कर जिसमें मुझे भी इसमें बाहर रखा गया और ऐसे ऐसे नेताओं को रखा गया जो कि कांग्रेस के अंदर जिनका कद नहीं था। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे पंडित सुखराम जी का बेटा होते हुए मुझे जो है कई बार जो है इस बात को झेलना पड़ा और आज मैं जो है इस बात को संज्ञान लेते हुए मैंने जो अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की और उन कार्यकर्ताओं के कहने के ऊपर जो है मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मुझे लगता है कि हम गठबंधन के अंदर जो है धूमल जी के साथ हम गठबंधन में पहले रह चुके हैं और मुझे उस वक्त भी यहां पर विकास करने का मौका मिला है और मुझे उम्मीद है कि अब उनके आशीर्वाद से हमारी जो पार्टी जहां पर सरकार बनेगी हम जो है जो बचे हुए काम है उसको करने का प्रयास करेंगे। सदर से टिकट किसे मिल रहा है? सदर से जो है आज जो टिकट की घोषणा हुई है उसमें से सदर से मैं चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मुझे नियुक्त किया गया है। क्या आश्रय शर्मा भी बीजेपी की तरफ से कहीं किसी बड़े पद पर जाने वाले हैं? अभी इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं हुई है क्योंकि हमने सभी ने आज पार्टी ज्वाइन की है और भविष्य में आगे क्या होता है उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि आपका आदर सम्मान जो है इस पार्टी में बना रहेगा। पहले भी हम आदर सम्मान दिया था जब हम गठबंधन में थे, तो आज भी जो है उन्होंने कहा कि आपको आदर सम्मान जो है इस पार्टी में मिलेगा।